राजस्थान के जोधपुर से खबर आ रही है। मारवाड़ रियासत की पूर्व राजमाता कृष्णा कुमारी की पार्थिव आज शाम पंचतत्व में विलीन हो गई। उनके पुत्र पूर्व नरेश गंजे सिंह ने उनको मुखाग्नि दी। कृष्णा कुमारी का अंतिम संस्कार राजपरिवार के निजी शमशान स्थल जसवंत थड़ा पर किया गया। जोधपुर मारवाड़ राजघराने की राजमाता कृष्णा कुमारी के निधन के साथ ही एक युग का अवसान हो गया। एक राजकुमारी से राजमाता बनने में सफर में 92 वर्षीय कृष्णा कुमारी ने कई उतार चढ़ाव देखे। सही मायने में वे देश की अंतिम महारानी के रूप में उन्होंने मारवाड़ का शाही वैभव देखा तो राजपाट को सिमटते भी देखा। विभाजन के साथ मिली आज़ादी की वे साक्षी रही। 9 वर्ष के वैवाहिक जीवन में 2 सौतन भी देखी। पति के असामयिक निधन के पश्चात कृष्णा कुमारी ने न केवल अल्प आयु के अपने बच्चों को संभाला बल्कि मारवाड़ के शाही परिवार की विरासत को बिखरने नहीं दिया। आवश्यकता पड़ने पर वे महलों से उतरकर इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर संसद तक पहुंची। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं राजमाता की अंतिम यात्रा में शहर के काफ़ी लोग उमड़े हैं और राजमाता की अंतिम यात्रा घर से राजघराने से शुरू होकर उन्हीं के शमशान भवन में इनका अंतिम संस्कार किया गया। राजमाता की साहिश आप देख सकते हैं किस प्रकार से जोधपुर में राजमाता की अंतिम यात्रा में शहरवासी उमड़े हैं। पूरे शहर में राजमाता की अचानक हुई मृत्यु के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। राजस्थान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिपोर्ट एक्सक्लूसिव और पाएं राजस्थान की हर छोटी बड़ी हलचल बस एक क्लिक में सीधे आपके मोबाइल पर।